बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 8 क्या निराशा हुआ जाए पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ जो निबंध क्या निराशा हुआ जाए त्रिवेदी जी की विशिष्ट रचना है। ये पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी 50 वर्षों के पश्चात भी बेईमानी और भ्रष्टाचार का साम्राज्य चारों ओर पसरा हुआ है। आज जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था डगमगाने लगी है, किंतु फिर भी क्या हताश होना उचित है? लेखक का यह अमिट विश्वास है कि आज भी संयम, सेवा, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, किंतु मिटे नहीं हैं। निबंध की उच्चारोत्तेजक शैली, भाषा प्रवाह, ललित रचना अनायासी ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन सर्वाधिक चिंताकर्षण है प्रेरणा। युवा शक्ति को यह निबंध निराशा और अंधकार के बीच प्रकाश दे सकता है। मतलब द्विवेदी जी इस निबंध को लिखने के पीछे या इन निबंध के माध्यम से यह आज के युवा पीढ़ी को यह शक्ति या संदेश देना चाहते हैं कि आज भी हमारे देश में, हमारे साम्राज्य में ईमानदारी है, बेईमानी भ्रष्टाचार का साम्राज्य तो है ही, लेकिन इस बीच में ईमानदार और अच्छे नागरिक भी हैं। अगर ये दब गए हैं, मानवीय मूल्य, यानी मानव मूल्य क्या है? नैतिकता, अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार आचरण मनुष्यों के, तो ये मूल्य भले दब गए हैं लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं। इसी निबंध, इसी विचार को अपने निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी प्रस्तुत करते हैं। ये आइए पाठ पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लेखक कहते हैं कि जब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो यह सुनकर मन बहुत बैठ जाता है, नहीं बहुत दुख होता है कि समाचार पत्र के मेन पृष्ठ पर क्या दिखता क्या है, यहाँ चोरी हुआ, डकैती हुआ, यहाँ तस्करी, भ्रष्टाचार, यही समाचार से पेपर भरा रहता है। और इसके बाद क्या आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया, मतलब कि और इसके ये तो रहता ही है, इसके बाद एक नेता दूसरे नेता के प्रति आरोप लगाते हैं या एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति आरोप प्रत्यारोपण करते हैं, कुछ यही वातावरण सब पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में लिखे रहते हैं। तो यह देखकर या पढ़कर कवि का मन कुछ दुखी हो जाता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, ऐसा लग रहा है। प्रत्येक व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आगे कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था, लेखक बताते हैं अपनी घटना को, कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ा बढ़ा कर दिखाए जाने लगेगा। तो यही कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता तो उसमें दोष न लगाने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन वही सुखी है जो कुछ नहीं करता, अपना बैठा हुआ स्थिर है, उसके विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति कुछ करेगा तो उसमें दोष ही निकलेगा और गुण भी है, लेकिन दोष को पहले दिखाया जाता है और उसको चढ़ा बढ़ा कर बताया जाता है। मगर ये कहते हैं कि दोष किस में नहीं है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी और खासियत दोनों ही होता है। यही कारण है कि प्रत्येक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, कारण कि उनके दोषों को गिनाया जाता है, दोष को ही उभारा जाता है, लेकिन उनके गुणों को दबा दिया जाता है, गुण नहीं दिखाया जाता, यही हमारी कमी है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है।
लेखक यही बताते हैं कि अगर स्थिति ऐसी है कि उनके गुणों को दबा दिया जाए, अवगुणों को दिखाया जाए, उनको दोष को दिखाया जाए, अगर यही विचार व्यक्ति का रहेगा, हर प्रत्येक नागरिक का रहेगा, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हर मानव के जो गुण निहित है अंदर, कुछ तो कुछ अच्छाई होगा ही, तो उन गुणों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, क्या है यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय या महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। लेखक कहते हैं कि यही भारतवर्ष का सपना हमारे नेताओं ने जिन्होंने इस देश को स्वर्ग बनाने के लिए, इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, वो देश की स्थिति आज ऐसा ही है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, मदन मोहन जी ने यही सपना देखा था कि हमारा संस्कृत सभ्य भारतवर्ष ऐसा ही होगा? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब लेखक कहते हैं कि आर्य और द्रविड़, भारत में पहले क्या आर्य और द्रविड़ दो ही जातियाँ थीं, और हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, इनकी जो आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र, मतलब मानवता ना, ये सब सभी जात में के रहने पर भी, सभी धर्म के रहने के बाद भी हम क्या है, सबसे बड़ा मानव है, है ना, महामानव है। मानव की जो विचारधारा है, मानवतावाद क्या एकदम समाप्त हो गया है। लेकिन एक तरफ लेखक कहते हैं कि मेरा मन ऐसा नहीं मानता, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे महान मनुष्यों, हमारे महान ऋषियों मुनियों की ये भारत का सपना ऐसा नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक आगे कहते हैं कि यह सही है कि हम इन दिनों कुछ ऐसे माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका लोग चला रहे हैं, वो कमज़ोर निरी माने कमज़ोर हो चुके हैं, उनका असहाय हो चुके हैं, और क्या है स्थिति ऐसी है कि भोले भाले जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत करके अपना जीविका चला रहे हैं, उनको क्या वो पीस रहे हैं, उन्हें कष्ट मिल रहा है, वो ठगे जा रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, जो ईमानदारी से काम करते हैं वो मूर्ख कहा जाते हैं, अरे बेवकूफ हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी, मतलब ऐसी स्थिति हो गया है समाज का कि जो व्यक्ति मानवीय मूल्य से परिपूर्ण है, जो इन विचारों को मानते हैं, जिनके अंदर ईमानदारी है, दया है, त्याग है, मानवता है, तो वो लोगों की आस्था इस समय इस स्थिति को देखकर डगमगाने लगी है। ये जरूरी मतलब ऐसा हो गया है परिस्थिति, परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब जो ये दिख रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये आंतरिक गुण है, पूरा भारतवर्ष ऐसा इसी परिस्थिति में, पूरा देश ऐसी इस परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक ऊपरी है, हो सकता है कि इसके अंदर, हर मानव के अंदर मानवता अभी भी विद्यमान हो। आगे, सदा मानव बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है।
उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं।